साथियों, कांग्रेस को सिर्फ परिवार की, अपने बच्चों की चिंता रहती है। ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है, और इसलिए एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी। लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते रहते हैं। उन महाज्ञानी जो बोलते हैं आपने सुना होगा। मैं जरा आपसे पूछता हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में हुई है? कितने लोग हैं? मुश्किल से 4-5 हाथ उठे, मुश्किल से 4-5। ये कांग्रेस को 50 साल देश में राज करने का मौका मिला और पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चलता था, और यहां पर अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले 5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा सरकार ने कहीं पर भी अंग्रेजी की स्कूल को ताला लगाया है क्या? कहीं ताला लगाया है क्या? इनके नाना, उनके पिता, उनकी दादी, किसी ने भी शुरू की होगी, क्या हमने ताला लगाया क्या? तो उन्होंने आपकी चिंता की थी क्या कभी? एक तो अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं, और इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते क्या? मेरे गरीब मां का बेटा, मेरे गरीब मां की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है क्या? बन सकते कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब दरवाजे आपके लिए बंद करके बैठे थे। और मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी होती है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर को अंग्रेजी में समझाते हो क्या? आप अपनी भाषा में बोलते हो ना, तो डॉक्टर को अपनी भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये महाज्ञानी कहते हैं कि आपको अपनी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इसी सोच ने देश को तबाह कर दिया इतने सालों में। और इसलिए मैंने तय किया है, गरीब से गरीब बच्चा भी, गांव का बच्चा भी, उसे अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो देश की सेवा करेगा। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है।
कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नियत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए, उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल, भ्रष्टाचार, अपराध और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। कांग्रेस जहां भी आती है ऐसी ही बर्बादी लाती है। इसलिए मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा।